और एक टेंट हमने यहाँ लगाया क्योंकि रात को 1:30-2 बजे ना अचानक बारिश आने के बाद ना हमको यार कोई जगह नहीं मिली। हेलो, वो बारिश अभी भी दिखाता हूँ, कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। एक बार आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत है। सुबह के 8 बज गए हैं यार, लेकिन बारिश ना बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मिल गया भाई, मिल गया। साले से चूतिया ने रखा होगा भाई, मुझे नहीं पता किसने क्या रखा, किसने क्या रखा। तार लेके आ जा, किसने किसने मत कर, तार लेके आ, थोड़ा ना ठंडा हो जाए, ठीक है। सेम प्रॉब्लम विद। अब रात के 12 बजे देखो फटी पड़ी है। रात के 12 बजे हम लोग जम्मू से आगे रास्ते में जंगल पे कहीं पे। क्या नाम है? मेरा सक्षम। नाम प्रयान। क्या बात है, ये चल गया। हाँ पक्का हो गए रोहित। वो क्या बताऊँ, मतलब सांस लेने में भी इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। और ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है, चिनानी नासरी टनल। रात के 9 बजे खड़े हैं हम लोग, हादसा हो गया हमारे साथ। की हालत हो रही है, और ये समझ लो कि आग लग सकती थी, हादसा भी हो सकता था। यार सच में इस जाम ने तो ना जान ले लिया। मैं ये डिश खाने जा रहा हूँ, कलाड़ी नाम है इसका। क्या काम लेके गया तू? हाँ मैं तू किने तड़पो छे। चलें फिर। ओके सर, चलते हैं। जय हिंद। तो भैया चलो, चाय की चुस्की हो गई है पूरी, अब यहाँ से निकलेंगे उधमपुर तक। हवा सही है? हवा ठीक है, कम लग रहा है। कम लग रहा है। हाँ कम, लोड बहुत ज़्यादा ना। ट्यूबलेस है? ट्यूबलेस। चलें बैठ। तो भैया जी स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, और ये चले लद्दाख राइड 2021। और अभी हम थे आपका रामसू में, रामसू के बाद आएगा रामबन। और पिछले ब्लॉग में हमने आपको जवाहर टनल के नज़ारे दिखाए थे। अगर आपने नहीं देखे, मैं कश्मीर से निकलते टाइम जब आया था ना, तो सबसे डार्केस्ट टनल इन कश्मीर, जवाहर टनल के नज़ारे। अगर नहीं देखे तो ऊपर जाओ, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और ये लद्दाख राइड 2021 चल रही है, हम निकल गए हैं आपका रामसू से रामबन के लिए। तो अगला बाजार जो आने वाला है ना, वो आएगा रामबन। तो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाने वाला हूँ रामबन के नज़ारे, फिर निकलेंगे हम वहाँ से जम्मू के लिए। और आज ना मैं किसी भी हालत में आपका अमृतसर पहुँचना है, ताकि कल मैं आपको गोल्डन टेम्पल दिखा पाऊँ। तो भैया ये आ गया आपके सामने आपका रामबन। तो रामबन का ये पुल है, इस पुल को क्रॉस करके हम निकल जाएंगे आगे अमृतसर के लिए। तो भैया सामने आपके जो आपको रिवर दिखाई दे रही ना, ये रिवर आपकी है चिनाब रिवर। और सच में इस रिवर को देख के मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये रिवर उल्टी बह रही है क्या? आप इस रिवर को देख रहे हो, ये इस तरीके से पीछे को आ रही है यार। अब पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, या तो हम कहते हैं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर नदी गलत डायरेक्शन में चल रही है। ऐसा कुछ है क्या, हमारे देश में कोई रिवर उल्टी चलती है क्या? तो ये है आपकी चिनाब रिवर। तो भैया फाइनली हम निकल गए आपका रामबन को भी हमने क्रॉस कर दिया है। रामबन में पधारने के लिए धन्यवाद। नहीं के चक्कर से रुके थे, लेकिन यहाँ तो पूरी टायर पंचर हो गया, और अपना टायर पता नहीं कब से पंचर में चल रहा है। ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा इधर तो सामने, बिल्कुल ये अभी एक पंचर बन गया है। भैया आगे की टायर की आवाज़ चेक करी आपने? ठीक है, आगे की। चलो भी ठीक है, एक ही था ना पंचर। तो भैया जी चलो, हमारा आपका टायर पंचर भी हमने जोड़ लिया। और मुझे पता नहीं था कि अपना टायर कब से पंचर था यार, वो तो अच्छा हुआ ट्यूबलेस टायर है तो लगातार चल गया। भाई सामने आप देख रहे हो जाम, भाई भाई भाई, ये जम्मू कश्मीर रोड में आपका नासरी से पहले इतना सारा जाम। तो भाई अब पता नहीं यार इस जाम में कब तक फंसे रहेंगे हम लोग। अभी जम्मू कश्मीर के रास्ते में है, और ये जाम देख लो आप पीछे कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है, आगे तक पूरा जाम ही जाम है। अब इसमें कम से कम आधे से एक घंटे से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अभी देखते हैं खुलेगा तो फिर निकलेंगे यहाँ से आगे को। और आज शाम अमृतसर पहुँचने का पूरा पूरा मूड है कि गाड़ी चलाई जाए और निकला जाए, बस जाम खुलने का इंतजार है। वो जाम खुले तो गाड़ी भगाएंगे दबा के। ये इलाका जो आप देख रहे हो अभी जम्मू कश्मीर का इलाका है, रामबन गाँव का नाम है रामबन, रामबन। अब जो आगे आएगा वो आएगा पटनीटॉप, ठीक है। बस तो ये लद्दाख राइड चली 2021। अगर नहीं देखे सारे ब्लॉग तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लद्दाख के सारे एडवेंचर ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई फाइनली ना हल्का फुल्का जाम खुला है, थोड़ी राहत मिली है। कम से कम आधा घंटा इस जाम में फंस गए थे, और हल्के हल्के गाड़ी चल रही है ना, एक राइड करने में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना वो आती है जाम की। अब पता नहीं ये जाम आगे जाके खुल जाएगा या हम फिर फंस जाएंगे। अमृतसर पहुँचना है ये कहते जा रहे हैं, लेकिन जाम में ना कम से कम घंटे से 2 घंटे खराब हो चुके हैं। लग रहा है जाम तकड़ा है, लग क्यों रहा है पता नहीं, रोड भी नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, फिर भी जाम लग रहा है। 7-8 मीटर 700 मीटर नीचे लगभग, 1 किलोमीटर लगा लो यहाँ तो खुला है।
क्या दिक्कत हो रही है? तो शहर में भी जा सकते। तो भैया जी, भाई साहब बोल रहे हैं कि आप तो बाइक वाले हो, निकल जाओगे, लेकिन भाई साहब को कौन बताए कि हमारी बाइक में दो बड़े बड़े सैडल बैग लगे जो इन गाड़ियों के बीच से नहीं निकल सकते हैं। लो फिर से फंस गए हम लोग। भाई यार ये सैडल बैग। तो भाई फाइनली हम लोगों ने जाम वाम से हम क्रॉस कर लिया और घंटा दो घंटा फिर से हमारे ख़राब हो गए और सामने आपको दिखाई दे रही होगी एक टनल, ये है चिनानी नासरी टनल। तो भैया जी स्वागत है आपका चिनानी नासरी टनल में। तो भाई साहब लोग कुछ हाथ दे रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। तो भैया जी हम टनल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। पीछे कुछ भाई लोग मिले थे, बता रहे थे कि यार उनके साथ के बंदे ना इस टनल को क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं और उनके पास हेलमेट नहीं है और बिना हेलमेट के इस टनल के अंदर एंट्री करना बैन है। तो भाई जाके इनके बंदों को बोलना है कि फटाफट पीछे आओ हेलमेट लेके और भाई लोगों को भी ले जाओ। ये बंदे पंजाब से आए हुए थे। तो भाई इस टनल के अंदर इतनी धूल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सांस लेने में भी इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। और ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है चिनानी नासरी टनल, इसका उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने किया था। पैदल इसमें 9 किलोमीटर पार मोदी जी गए थे। तो भैया फाइनली चिनानी नासरी टनल को हमने क्रॉस कर दिया और भाई साहब के बंदे लोग किधर हैं आगे देखते हैं, शायद खड़े होंगे, उनको बताएंगे कि उनका कुछ लोग वेट कर रहे हैं पीछे। तो सामने खड़े हैं भाई लोग, इनको बता देते हैं यार। चलो इस टनल को पार करने के बाद हम निकल के जम्मू वाले रोड में फटाफट कुछ खा लेते हैं यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है अब यार। हालत खराब हो गई बॉडी की और गाड़ी का सामान भी देखो पूरा हल्का हिल गया, क्योंकि इतना सारा झटके मटके आने के बाद ना यार देख रहे हो सब कैसे लटका हुआ है यार। चलो कोई नहीं, अपनी शेर, अपनी चीता, अपनी पल्सर 150। टनल क्रॉस करने के बाद ना, तो चिनाली टनल जो हमने क्रॉस करी ना, सच में क्यों बोलता था इसको, हाँ क्योंकि सारी चिनानी ने बनाई है भाई। लोग अभी क्या है ना, हम लोग हैं आपका चिनानी गांव में और जो टनल था उसका नाम है चिनानी नासरी टनल। और चिनानी नासरी टनल क्यों है, उस साइड था नासरी गांव, इस साइड चिनानी गांव। अगर पहले जब ये टनल नहीं था तो 35 किलोमीटर का राउंड लेके पूरे पहाड़ों पर चलकर रोड नीचे आती थी, बट जब से टनल बनी है तो 9 किलोमीटर का सिर्फ फासला है। चिनानी गांव में कलाड़ी नाम से एक डिश मिलती है। अब ये होती कैसी है, मुझे तो लग रहा है ब्रेड और आमलेट है। मैं ये डिश खाने जा रहा हूँ, कलाड़ी नाम है इसका। कलाड़ी के बाद एक बढ़िया सी कॉफी। धूल मिट्टी से कितने गंदे हो गए यार, मैंने गलती से क्या किया, जिप खोल दिया, गर्मी हो रही थी तो अंदर तो धूल चले गई है पूरी। तो होटल का नाम भी देखो कलाड़ी है और हमने खाया भी कलाड़ी है। तो फिर कलाड़ी भाई साहब अंकल जी की बहुत फेमस है, तो आओ कभी। ये कौन सी जगह है? धर्मसल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पास, उधमपुर का धर्मसल नाम से जगह है और यहाँ पे कलाड़ी नाम से शॉप है। आओ टेस्ट करो, खाओ और फिर बताओ। अगर खाई है आज से पहले किसी ने, कोई व्यूअर हमारा अगर देख रहा है जिसने आज से पहले खाई है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं अभी, निकलते हैं उधमपुर और उधमपुर से हमें जाना है आपका अमृतसर। तो भैया हल्का फुल्का कलाड़ी वाला नाश्ता करने के बाद हम निकल गए जम्मू के लिए आगे और सामने आप देख रहे हो जाम। भाई यार सच में इस जाम ने तो ना जान ले लिया, कसम से कितना तगड़ा जाम लगा है और साइड साइड से निकलना पड़ रहा है। भाई क्या हालत हो गई है अपनी। तो भैया जहाँ देख रहे हो आप यार, कब तक इस जाम में फंसेंगे, तो कब हम पहुँचेंगे अमृतसर भाई। तो भाई फाइनली यार जाम वाम को क्रॉस करने के बाद ना मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं आगे अमृतसर के लिए। तो फटाफट गाड़ी खींचेंगे और पहुंचेंगे अमृतसर। ठीक है, तो चलो। तो भाई फिर से हमारे बिक्की भैया की गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई है अब। तो भाई यार अपने बिक्की भाई के साथ ना गाड़ी में फिर एक दिक्कत हो गई है, ये सेल्फ ले रहे हैं तो इनका पूरा पेट्रोल जो है ना बिल्कुल कारी की तरह मार रहा है, पता नहीं क्या। कल हमने कश्मीर में इसकी सर्विस कराई थी भाई, 5,000 रुपये पूरे लिए बंदों ने काम, गाड़ी का काम करने के, फिर भी उसके बाद काम नहीं किया। हाँ मैं तो आज की भी हमारी राइड अब पूरी लेट नाइट होगी भाई। कुछ लोग ना खाली मिस्त्री की दुकान खोल के बैठे, उन्हें तमीज 2 रुपये का भी नहीं है। तो भाई ऐसा है ना यार, राइड में ये दिक्कत आती है, तो इसलिए बोलते हैं कि यार भाई आपको ना गाड़ी का कम से कम पूरा काम नहीं तो कम से कम आधा काम तो आना चाहिए। गाड़ी के पार्ट्स कैसे खुलते हैं, गाड़ी का ऑयल कैसे खुलता है, इंजन ऑयल कैसे खुलता है, तभी जाके कभी रास्ते में आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो आप ठीक कर पाओगे। नट ये यहाँ पे एक नट लगता है, वो नट नहीं लगाया आपने, पूरा इंजन झूल रहा है और ये
तेल का पाइप अपने पता नहीं क्या से लगाया, तेल का पाइप निकल गया। की रोड पे अमृतसर रोड पे ना भाई रात के 9 बजे खड़े हैं हम लोग, हादसा हो गया हमारे साथ। क्या हादसा हुआ आपको बताता हूँ यार, बुरी हालत हो रही है और ये समझ लो कि आग लग सकती थी, हादसा भी हो सकता था। अब पूरा पैसा देने के बाद भी अगर रास्ते में खड़ा होना पड़ रहा रात के 10 बजे ना, तो क्या कहें, गाली देने का मन कर लेकिन गाली देने, क्योंकि भाई हमारी ऑडियंस देख रही है इसको नहीं मेरे पास। रात के 10 बजे रोड पे खड़े हैं हम लोग अमृतसर रोड पे, आग भी लग सकती थी, गाड़ी में हादसा भी हो सकता, जो राइडर है वो जल भी सकता था। तो भैया बिक्की भाई की सामने गाड़ी खड़ी है ना, इस गाड़ी ने पूरा दिन खराब कर दिया, कम से कम 3 से 4 घंटा अभी कल ही गाड़ी की सर्विस कराई थी और ये हालत है, और हमको अब रात को राइड करना पड़ रहा है। लेकिन भाई अमृतसर पहुंचना है किसी भी हालत में, भगवान अब कोई दिक्कत ना हो यार। तो अभी हमें अमृतसर यहाँ से पड़ेगा आपका 200 से 250 किलोमीटर और पूरी रात राइड करना है। अभी देखो क्या क्या एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा यार, सच में यार सोचा था कि शाम तक अमृतसर पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई हो ही है सोई जो राम रची राखा। तो भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का खेल है यार। टाइम हो गया 9:18 और हम हैं अभी आपका अमृतसर वाली रोड में, और एक बार अपना टैंक फिर से फुल कर लेते हैं। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, क्या नाम है? मेरा सक्षम। और इसका रंग क्या छोटेगा? इसका नाम प्रयान। क्या बात है, ये है चैनल पे। हाँ पक्का हो गए रोहित आपका। हाँ रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग, ठीक है, ओके जरा चलते हैं। ओके थैंक यू सो मच। तो भैया जी चलो, तो भैया टैंक में तेल बेल फुल कर रहे थे और सामने कुछ बच्चे मिले थे बड़े क्यूट क्यूट से, और बोल रहे थे भैया आपका कौन सा चैनल है, हमको भी वीडियो में ले लो। पगड़ी वाली, ये देखो आप सब भीग गए। हम लोग एक दुकान के शटर के सामने बिल्कुल नीचे आके ना अपने अपने रेनकोट पहन लेते हैं, और क्या कहते हैं गाड़ी में जो अपना सामान है उसको फटाफट उस पर पन्नी लगा लेते हैं, वरना क्योंकि अभी है कम से कम 250 किलोमीटर और सफ़र लंबा, सब भीग जाएगा, कच्चे से लेकर बनियान तक भीग जाएगा भाई, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो पानी कितना ज़्यादा हो गया यार। तो भाई ऐसा है ना, बारिश जितनी तेज हो गई ना उसके बाद चलते ना, हमने अपना सारा सामान रैप करना है, और मेरे को लगता है जब तक हम सामान रैप करेंगे ना तब तक बारिश बंद हो जाएगी, आगे भी काम आएगी हैं, आगे भी काम आएगी। तो भाई मोटो ब्लॉग करना इतना ईजी नहीं है, इतनी मेहनत करके ना तुम्हारे लिए मोटो ब्लॉग बनाया जाता है। जब देखते हो तो कमेंट किया करो और लाइक किया करो, अच्छा लगे शेयर किया करो। तो ऐसा है ना, बारिश आने की वजह से क्या है कि अपनी पूरे सामान को रैप करना पड़ता है पॉलिथीन से, ताकि कुछ भीग ना जाए, क्योंकि अभी 4-5 दिन की राइड और बची है। तुमने ये रैप करी है कि टाटा 407 बनाई है? ये टाटा 407 बनाई है। आई सर। तो भाई लोग ऐसा है, गाड़ी में तो पूरा पॉलिथीन से रैप कर दिया, लेकिन अपने आप को भी मैंने पूरा पॉलिथीन से रैप कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक, आप देख सकते हो इस तरीके से। अपनी रेन पैंट पहन ली है और ना मेरी पैंट भीगेगी ना मेरे हाथ भीगेंगे। ये देखो भैया, ये देखो ये, और यहाँ हुआ है हमारे साथ फिर से कांड। कहाँ हम जम्मू से आगे पहुंचे और यहाँ क्या हो गया, देखो भाई की गाड़ी फिर से हो गई पंचर। यहाँ देखो भाई, भाई की गाड़ी का आगे अगला टायर हो गया भाई पंचर, वो ये लो। मतलब भाई ऐसा है ना, अपने साथ तो हादसों की लड़ी हो गई है आज का दिन, तो कम से कम एक बार भाई की गाड़ी पूरी खोल के पैर कर दी, कल क्या कहते हैं इंजन बनाया था, अभी कहते हैं शाम को फिर दोबारा से इसका कहते हैं ऑयल लीक कर रहा था, अभी क्या हो गया पंचर हो गई है। अब रात के 12 बजे जम्मू से आगे गाड़ी पंचर, और हम लोग लगे पड़े हैं भाई काम धाम में कि कैसे भी कैसे आज रात तक अमृतसर पहुंचना है, टास्क लिया है ये कंप्लीट होगा, क्या होगा पता नहीं यार, भगवान जाने क्या होगा, बट हम तो लगे पड़े हैं अपनी तरफ से। जो हवा भरने का पंप होता है इसको हम बोलते हैं एयर इन्फ्लेटर जो होता है, वो भी नहीं मिल रहा है भाई। अब रात के 12 बजे देखो फटी पड़ी है, और रात के 12 बजे हम लोग जम्मू से आगे रास्ते में जंगल पे कहीं पे एक छोटी सी दुकान है, मिल गया भाई, मिल गया। साले से चूतिए ने रखा होगा भाई, मुझे ही नहीं पता किसने क्या रखा, किसने क्या रखा। तार लेके आ जाए, किसने मत कर, तार लेके आ, थोड़ा ना ठंडा हो जाए, ठीक है, सेम प्रॉब्लम विद चलो फाइनली मिल गया यार रात के 12 बजे चाय, और देखो चाय। मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू, कल रात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी हमारे साथ, बाइक 2 या 3 बार ख़राब हो गई थी रात को 12-1 या 2 बजे के टाइम पे, हम लोगों ने अचानक बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ गई थी, तो हमने कहते हैं किसी पेट्रोल पंप वाले से भाई से बोला कि यार हम क्या हम टेंट लगा सकते हैं आपके पास, तो उन्होंने भाई साहब उन्होंने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं हम लगा लो। तो बारिश अभी भी दिखाता हूँ, कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है, एक बार आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत है। तो रात को ना यार बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि आगे राइड करना बेकार है, वैसे तो हमने अपने रेन कवर पहने हुए थे बट फिर भी तूफान और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, जिसकी वजह से हमने यहीं पर टेंट लगा ली। तो अभी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज, आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया बाहर क्या हालत है। तो जब तक बारिश और तूफान रुकेगा नहीं तो हम लोग टेंट के बाहर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बाकी सब लोग सोए हुए हैं, तो मैं मेरे को आदत है कि मैं थोड़ा जल्दी उठाता हूँ सुबह डेली,
अभी 6:10 हो रहे हैं और बाहर बारिश ही बारिश है। अभी मेरी आंखों में मतलब जलन हो रही है कि रात भर सोए नहीं ढंग से। तो भाई लोग ऐसा है ना, सुबह के 8 बज गए हैं यार, लेकिन बारिश ना बंद होने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही अभी। और हालात ऐसी हम टेंट के अंदर हैं, अभी हल्की हल्की कम हुई है, हल्की सी। तो बारिश का ये देखो बाहर का हालत, ये देखो आप इस तरीके से बाहर पूरा पानी पानी हो गया है। और ये सारी बाइकें हमारी ऐसे लगी पड़ी हैं यहाँ पर, और एक टेंट हमने इधर लगाया है ये वाला, और एक टेंट हमने यहाँ लगाया क्योंकि रात को 1:30-2 बजे ना अचानक बारिश आने के बाद ना हमको यार कोई जगह नहीं मिली कि हम कहाँ रहें। तो हमने यहाँ पेट्रोल पंप वाले भाई से बोला कि यार हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है, सेफ एरिया है, आप कहीं भी रह सकते हो। तो इस तरीके से हमने टेंट लगाए हैं, बस सामान वामान पैक कर रहे हैं। बारिश हल्की सी हुई है कम, तो जितनी जल्दी सारा पैक हो जाएगा तो निकल जाएंगे आगे को, वरना फिर फंस जाएंगे पूरा दिन भर। ठीक है, चलो भाई लौंडो भैया तार निकाल दें। तो यार ऐसा है ना, ट्रैवलिंग की जो दुनिया है ना वो इतनी इजी नहीं है। ठीक है, जितना आप लोग कहते हैं हमारे कैमरे में या यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं कि यार हम लोग इतना घूमते हैं, इतना मस्ती करते हैं, तो कभी कभी हमारी भी फट जाती है ना। तो भाई रात के 2 बजे इस तरीके से टेंट लगाना पड़ता है। देखो ये बस ये है कि हाँ लोग अच्छे हैं तो लोग बोलते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी इतनी रात हो गई, बारिश हो रहा है तो कहाँ जाओगे, आप लगा लो कहीं भी।